देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें जो है गोहाना की देख रहे हैं, जहां पर सरपंच जो है पिछले 15 दिनों से जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ई ट्रेडिंग और राइट टू कॉल के विरोध में जो है लगातार पिछले 15 दिनों से जो है सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि या तो सरकार हमारी बातें मान ले, नहीं तो विरोध ऐसे ही जारी रहेगा। और बता दें कि 3 फरवरी को नरवाना में जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली होनी है और उसके विरोध के लिए जो है आगे की रणनीति जो है सरपंचों के द्वारा बनाई गई है। और सरपंचों ने कहा कि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो सरकार के जहां भी कार्यक्रम होंगे वहां सरपंच एकजुट होकर जाएंगे और सरकार के कार्यक्रमों का विरोध करने का काम जो है किया जाएगा। और बता दें कि पिछले 15 दिनों से लगातार जो है जो सरपंच है वो विरोध कर रहे हैं। और आप तस्वीरें जो देख रहे हैं गोहाना ब्लॉक की तस्वीरें हैं, जहां पर गोहाना ब्लॉक के जो सरपंच हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और आप सभी से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचे कि सरपंच अभी भी धरने पर हैं। क्या नाम है? पवन शर्मा है, सरपंच ग्राम पंचायत मोई उड्डा। तो लगातार जो है विरोध सरकार का किया जा रहा है, अभी रैली भी थी वहां पर भी जो है विरोध किया गया था, क्या जो तो चलता ही रहेगा। इतने सरकार नहीं मानेगी ना ई ट्रेडिंग के मामले में, राइट टू रिकॉल के में, इतने हम सरकार का बहिष्कार करते रहेंगे जहां जहां भी रैली होगी। और अब 3 तारीख की जो नरवाना रैली होगी उसका भी बहिष्कार करेंगे हम। जहां जहां भी सरकार की रैलियां होंगी वहां हम बिल्कुल तन मन धन से उसका बहिष्कार करेंगे सरकार का। और अगर हमारी बात मान ली जाएगी तो हम सरकार के साथ हैं। कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? 15-20 दिन हो गए, सारे हरियाणा में चल रहा है। किस किस तरह से विरोध किया गया है अभी तक? बैठे हैं यहाँ अपने, आगे फिर भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, आगे वैसे भी अनशन करेंगे। तो रोड पर भी प्रदर्शन किया पीछे? हाँ, किया है। ज्ञापन भी दिया? ज्ञापन भी दिया है, रैली में भी कराया है, किसी को भी दे चुके हैं। सरपंचों की मांग अभी तक नहीं मानी। क्या रणनीति बनाई? आगे की तो यही है, जहाँ जहाँ भी सरकार की रैलियाँ होंगी वहाँ जाकर बहिष्कार करेंगे सरकार का, सभी सरपंच इकट्ठा हो गए। ऐसे गिरफ्तारी देते रहेंगे हम। सरपंच, क्या नाम है आपका? दिलावर सिंह, खानपुर कला। तो अभी लगातार जो है ई ट्रेडिंग को और राइट टू रिकॉल के जो है प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार जो है, क्या आपने ज्ञापन भी दिए हैं? सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है, क्या कहना चाह रहे हैं? भाई सरकार सुनवाई ना करेगी तो भाई डंडाए करेगी और मड़ा तेज करेंगे आंदोलन ने, कितने ताई जाना पड़ियो हमने, इसने और बढ़ाओगे हम अपनी रणनीति, हम लाग रहे हैं तैयार करने, इसने और बढ़ाओगे हम। और जड़ा जड़ा ये रैली करेंगे पूरा इनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। हाँ, अरे देवेंद्र बबली रोज दे दे है बयान, बोलिया सरपंच तो न्यू खान के मारे किले बेच कर ये फलाना, ये सो सो ये के अरब रुपया लावे हैं इलेक्शन में, वो किसका रुपया है अपनी ना बतांदा हो, जब वो इलेक्शन लड़े हुए हैं 1-1 अरब रुपया इलेक्शन में लाते हैं MLA के इलेक्शन में, उन बुझनिया कोई नहीं वह रुपया कितना हुआ है हैं? सरपंच बोलिया पीछे ला रहे हैं और पीछे के चक्कर में ये घूम रहे हैं। देवेंद्र बबली अपना है बता दो ने, यू विरोध इलेक्शन था बाय इलेक्शन था, 1 अरब रुपया ला दिया इन्हें, कितना आया हो जनता का रुपया नहीं दाओ हैं? ये तो डकैत नहीं, सरपंच डकैत हो गए, इनका तो शर्म कौन रह रही, रोज दे है भाषण के जानू सारे के सरकार आ रही है, सारे के गिर भी सके है सरपंच, हम तो बहुत ताकत तो है, अभी तो छोटी सरकार है इन ते, ये जितनी छोटी मान रही इतनी छोटी भी ना है, नीम होया तरली सरकार है, सरपंच नहीं बख्शा कर दे इन्हें। आज केंद्र सरकार का जो है बजट पेश हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? कड़ा केड़े के बजट सही गए, इनका नाम मना लो मेरे यार, केड़े के बजट पेश करने आओ इन, नकली सरकार है मेरे यार, इनका भी को बजट का को हिसाब किताब है, साहु कारा गया किड़े हिन गे, ये द इलेक्शन हम लाओ तो बहन चो अरब अरब रुपये है, और सरपंच को ला दे बहन चो चोर, ये सा है ये जो देश का रुपया लूट कर खा गए, ये दसा और सरपंच चोर है, खाते तो ही खोल नहीं लिए, इन्हें बना दिए ये बहन चो इलेक्शन हम लाओ कितने, ये देवेंद्र बबली को बोल रहा हूं मैं, यू सरपंच अन्यों का है, सरपंच कहता 1.5 करोड़ ला दिए, 1 किला बेच कर वो पूरे करे, अरे ये 100 करोड़ लाओ तुम कितने पूरे करो हो अपनी ना बता दे, ताना साई करके यू देश लूट लिया इनने, शर्म को ना रह रीन गए, आराम दैया एक है खट्टर साहब मान जा, मानन में फायदा है ना, दे सरपंच है ऐसा काम कर देंगे किसे का अटका नहीं रहेगा तू।
हाँ या इन्हें सोचनी चाहिए भाई सरकार ने, ये जो 1994 का एक्ट है उसमें 29 शक्तियां हैं, मारी वो सारी शक्तियां दी जाए सरकार दे, मारी आए रिक्वेस्ट है ना दे भाई, आंदोलन इससे भी तेज होंगे फिर मेरे डंडा है मानेगी, मानना तो पड़ेगा, ये मान जाते ठीक से, हमने उल्टा हटना नहीं। हाँ।